मध्य प्रदेश की नदियां उफान पर, कई जिलों में सेना से ली जा रही मदद। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश की सभी नदियां उफान पर है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, उज्जैन में शिप्रा नदी, वहीं मध्य प्रदेश के सभी डैमों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले भर में पानी से सभी डैम लबालब हो गए हैं। उनके गेट खोल दिए गए हैं, जिसमें होशंगाबाद डैम, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम शामिल हैं। होशंगाबाद में नर्मदा नदी का जल स्तर खतरे के निशान 967 से 4 फीट ऊपर 971 फीट पर पहुंचा। तवा डैम के सभी 13 गेटों को 30-30 फीट के लिए खोलकर 5,33,823 क्यूसिक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिलों में अलर्ट। वहीं निचली बस्तियों में पानी भर जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मदद के लिए सेना की मदद ली जा रही है। वर्तमान में इंदिरा सागर जलाशय का स्तर 261.18 मीटर है और बाढ़ के पानी की आवक लगभग 35,000 क्यूमैक्स है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इंदिरा सागर बांध के 12 गेटों को 6 मीटर की ऊंचाई पर खोला गया है, जिससे लगभग 16,500 क्यूमैक्स वाटर की निकासी हो रही है। इसके अलावा विद्युत गृह की 8 इकाइयों से विद्युत उत्पादन कर 1840 क्यूमैक्स की निकासी हो रही है। इस प्रकार कुल 18,300 के आसपास जल की निकासी वर्तमान में इंदिरा सागर से हो रही है। वर्तमान अभी भी नर्मदा कछार में सतत बारिश की सूचनाएं हैं। इसके अलावा बरगी बांध और तवा बांध के भी गेट खुले हुए हैं, उनसे भी पानी हमें आ रहा है। और आशंका ऐसी है कि अभी बाढ़ के पानी की आवक और भी बढ़ेगी और उसको निकालने के लिए इंदिरा सागर बांध के गेटों को और भी की ऊंचाई को और भी बढ़ाया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी के लिहाज से इंदिरा सागर बांध के डाउनस्ट्रीम बने हाई लेवल ब्रिज को आवागमन के लिए रोक दिया गया है। और जैसे ही ये बाढ़ गेट की ऊंचाई कम होती है और नदी में डिस्चार्जेस सुरक्षित स्तर पर आते हैं, यह ब्रिज पुनः आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।